हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दीपावली भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गई होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के ब्लॉग बनाने वाली हूँ, आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ जिस बातों से आप अनजान हैं और बिना कुछ सोचे समझे आप लोग कमेंट्स कर देते हैं। कमेंट्स करते हैं जो भी इतना घटिया कमेंट्स करते हैं कि उनका रिप्लाई हमें देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिप्लाई नहीं दे तो हम एक हाउस वाइफ है, हम जो ब्लॉग बनाते हैं उससे हमारी फैमिलीज वाले भी रिलेटेड हैं, वो भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो उस वजह से मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं है ना, ये ब्लॉग शुरू होने से पहले आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ, वो आप क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ, उसे बिना स्किप करे आप देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मैंने कराया ये व्लॉग, हम बहुत लेट डालेंगे व्लॉग बना रही। इनके चेहरे पर अच्छी खासी खुशी है। ये हमारे सासू जी ऐसे व्लॉग बना रही हूँ। तो मतलब है ना, इनको है ना बहुत ज़्यादा ऐसे यूँ, मतलब इनकी फीलिंग्स अभी थोड़ी अजीब सी है। ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी है, रिंकू मेरा रुद्र बहुत छोटा है, उसे थुल्ली कौन खिलाएगा। डोंट वरी, मैं रखूँगी। और मैंने बोला ना आपके 1.25 साल की मम्मी को गए, 1.25 साल में इधर मत देखो, अब बस अपने पे ध्यान दो, कल से बोझ उठाना बंद, एक पानी का चरू नहीं उठाओगे, झाड़ू तक नहीं निकलोगे। जी घबराए तो बाथरूम में चले जाना। अरे रिंकू कहीं भी गयो। गुड न्यूज दे, हाँ। कितने राज्य हो गए बता दू, हाँ। बता दू, हाँ। रुद्रा के और भाई बहन आने वाला है। बता दो ताली या नानी है। कभी गई? आज ही था जी, आज गई। आज गई है, आज खुद आज इन्होंने मतलब कि जांच करी, जिसमें शोर आया है कि रुद्रा के छोटा भाई बहन आएगा। आज तो 4-5 दिन छड़े है, ऊपर पर है, आएगा बहुत जल्द, ठीक है सा? वाह सा, मारे मारे भी वेगा ट्रेन में मत। सो हाँ, आपने देखी वीडियोस और उससे आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने ज्यादा हैप्पी थे। मोस्टली जब भाभी प्रेग्नेंट थे तो सबसे पहले मुझे ही पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है। उन्होंने मुझे बोला कि रिंकू मेरे साइकिल्स आए नहीं है, डेट टू डेट मैं इनके साइकिल्स कभी आते नहीं है, 2 दिन हमेशा 2-4 दिन पहले ही आ जाते हैं। तो ऐसे बोल रहे थे वो, किचन में हम लोग खड़े थे, दोपहर का टाइम था। मैंने उनको बोला कि आप शाम तक चेक कर लेना, क्या पता अगर आप प्रेग्नेंट हो। हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमारी मजाक हकीकत में बदल जाएगी। और जब भाभी ने शाम को चेक करा तो पॉजिटिव भी था, और हम दोनों ने मिलकर सोचा था कि आप लोगों से अभी कुछ शेयर नहीं करेंगे और 3 मंथ बाद हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो मेरे पास उस टाइम फोन था, तो मैंने उनके जो रिएक्शंस थे वो नोट करे थे, ताकि मैंने सोचा कि जब मैं ब्लॉग डालूंगी तो ऐसे करके डालूंगी कि भाभी के रिएक्शंस प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उन्होंने बोला आप बना लो और मुझे भी दे देना। तो सबसे पहले तो मैंने भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, उसके बाद मम्मी जी हमारे उस घर चले गए थे। मैंने मम्मी जी को भी हैंड टू हैंड फोन करके बोल दिया, मम्मी जी आप फिर से दादी बनने वाले हो। और दादी जी को भी बोला था ऐसे कि दादी आप भी फिर से दादी बनने वाले हो, रुद्र के भाई बहन आने वाला है। सब इतने ज़्यादा खुश थे, आपने देखी होगी क्लिप। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे चल के हमें कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो कि बड़ी दर्दनाक होगी। और रही बात इस ब्लॉग की, तो ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने गंदे कमेंट्स करे थे। अभी मैंने दीपावली प्रिपरेशंस के हिसाब से एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैं मिठाई बना रही थी, और उसमें मुझे इतने गंदे कमेंट्स आए, तो उसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ताकि क्या है ना आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। और हमारे फैमिलीज वाले भी ब्लॉग से रिलेटेड है, वो भी ब्लॉग देखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो जब कमेंट्स देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम फैमिली वाले हैं, हाउस वाइफ है, घर में रहकर काम करते हैं और एक ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से हम रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें। और रही बात उस दीपावली वाले ब्लॉग की, जो मैंने मिठाई बनाई थी, जब भाभी की प्रेगनेंसी न्यूज़ हम लोगों को पता चली, हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत खुश थे, और दीपावली का टाइम भी था, सफाई भी चल रही थी। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि शायद मेरे हर एक सफाई के व्लॉग में भाभी नहीं दिखे होंगे,
क्यों? क्योंकि उनको रेस्ट पे था, उनको सफाई करनी नहीं थी। और ये बात हम आपको तब नहीं बता सकते थे, हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, कुछ हमारे फैमिलीज प्राइवेसी होती है ताकि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हमने वो भाभी को दिखाई नहीं। आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि कोमल भाभी काम नहीं करते हैं, वो दिखाई नहीं देते सफाई के ब्लॉग में। जब उनको करना नहीं था तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखाई देंगे। वो किचन का करते थे, हम उस घर पे सफाई करते थे, तो भाभी यहाँ का पीछे का सब देखते थे, किचन का, कानू के टिफिन वगैरह सारी चीजें हो गई, खाना किचन का वही देखते थे दोनों टाइम का, है ना। तो वो किचन का करते थे, लेकिन हम इग्नोर करते थे आपके कमेंट्स को कि होगा यार क्या है, किन किन को हम लोग जवाब दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार आप लोगों ने हद पार कर दी तो मुझे रिप्लाई करना पड़ रहा है। हाँ, रही बात अब उस ब्लॉग की, करते मैंने उस जब दीपावली का ब्लॉग बनाया था तो उसमें मुझे कमेंट्स आए कि आप कैसी देवरानी हो, आपकी जेठानी के अबॉर्शंस हुआ है, आप घर पे मिठाई बना के खा रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सारे ससुराल वाले एक जैसे होते हैं, दीदी आपने भी अपनी औकात दिखा दी है, आपने भी दिखा दिया है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वहां दर्द से जूझ रहे हैं, आप ये मिठाई बना के खा रहे हो, आप लोगों को जब कुछ बात पता नहीं है तो आप लोग क्यों बोलते हो इतना, क्यों हर कैसे कमेंट्स कर देते हो। जब आपको बात समय आने पर हम क्लियर कर लें, आप एक बार थोड़ा उस बात पे, उस लोक में जाके सोचा तो करो यार कि आप लोग क्या बोल रहे हो, हर कुछ बोल देते हो। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ब्लॉग भी एंड टू एंड डिलीट कर दिया आप लोगों की कमेंट्स की वजह से, मैंने डायरेक्ट प्राइवेट कर दिया आप लोग। अब रही बात दीपावली की मिठाई की बात, तो भाभी की डीएनसी हुई थी 25 तारीख को, 24 तारीख को रानू का बर्थडे थे, हम बर्थडे पे गए थे, मैंने शॉर्ट्स भी डाला था यूट्यूब पे बर्थडे पार्टी का। जब हम 25 को भाभी और मेरे दोनों की चित्तौड़ जाने की थी, उनके साथ मैं भी जाने वाली थी, बट अगले दिन क्या होता है, कानू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, मम्मी जी की तबीयत भी इतनी ज़्यादा खराब थी, तो मैंने भाभी को मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि घर में सबकी तबीयत खराब है, एक जना पीछे भी चाहिए होता है काम संभालने के लिए, और आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रात की 10-11 बज जाएगी। और उस दिन घर से वो इतना खुशी खुशी गए थे, हम दोनों ने एक साथ खाना खाया, वैसे हम हमेशा खाना एक साथ ही खाते, हम दोनों ने खाना खाया और फिर भाभी ने बोला कि आज गाड़ी देखने भी जा रहे हैं, हमारे धनतेरस पे नई गाड़ी लाने की बात थी, तो पापा जी भैया और भाभी और रुद्र ये चारों गए थे यहाँ से। मेरे जाने की थी पर मैं यही रुक गई, काम की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, मैंने कहा ये लेट सेट आएंगे तो एक जना पीछे भी चाहिए होता है घर को संभालने के लिए। वो गए, बहुत खुशी खुशी यहाँ से गए, और मैंने उनको बोला भी था कि भाभी दीपावली की शॉपिंग करके आना, कानू के लिए भी ड्रेसेस लेके आना, रुद्र के लिए भी लेके आना, दोनों भाई को एक साथ हम सेम सेम पहनाएंगे दीपावली के दिन। मतलब हमने बहुत कुछ सोच रखा था और एक मंथ ही कट रहा था, 3 मंथ लगने में, मतलब जिस दिन वो गए थे उस दिन 2 महीने कंप्लीट हो गए थे, 3रा लगने वाला था, और हमने सोचा कि 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ये रिएक्शन वाला ब्लॉग डालूंगी कि भाभी हम कितने खुश थे, कैसे मजाक कर रहे थे, हम कॉन्ग्रेचुलेशन बांट रहे थे हम सबको, मतलब दादी मम्मी जी बोल रहे थे कि तुम छोरे कितने मजे ले रही हो हैं कि भाभी प्रेग्नेंट, और वो बोल रहे थे कि मैं रुद्र को कैसे संभालूंगी, रिंकू नहीं संभलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कानू बड़ा हो गया मैं रख लूंगी रुद्र को, और छोटा बेबी होगा उसको हो जाएगा साथ के साथ बड़ा, अब जो हो गया है उस पर इतना गौर मत करो। ऐसा हम सब बहुत खुश थे। वो गए खुशी खुशी हॉस्पिटल गए, वहां जाने के बाद पता चलता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नहीं है, तो उस वजह से उन्हें अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। और वो दिन में दोपहर में शायद 1 बजे समथिंग यहाँ से गए थे, और 5 बजे हम लोगों को ये न्यूज़ मिलती है। आजकल पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, 1 महीना हो गया, इतनी गंदी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती, ना तो दिन में आती है ना रात को आती, सिर्फ आएगी 1-1.5 घंटे के लिए मैं सोती हूँ, अगर पास में वो भी कोई किसी ने थोड़ा सा भी ऐसे शोर वगैरह कर दिया तो मैं उठ जाती हूँ। तो 5 दिन का टाइम था, 5 बज रही थी, मम्मी जी आए बाहर से, 4:30 मैं रूम में आई, मैंने मम्मी जी को बोला मम्मी जी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा फट रहा है दर्द से, मैं थोड़ी देर सोऊंगी फिर मैं 5:30 बाहर आ जाऊँगी। 5 बजे मम्मी जी रूम में आते हैं कपड़े लेकर, मुझे बोलते हैं कि रिंकू उठ जा। मैंने कहा मम्मी जी मैं उठ रही हूँ 10 मिनट क्योंकि कोमल के अबॉर्शन करवा रहे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने कहा सुबह वो राजी राजी गए, ऐसी क्या बात हो गई। मैं हैंड टू हैंड उनके फोन लगाते हैं, बट उनका फोन स्विच ऑफ आता है, फोन उठाते नहीं है। भैया के मम्मी जी लगा रहे होते हैं, भैया का भी स्विच ऑफ आता है, फोन लगता नहीं उन लोगों के। फिर जैसे तैसे मैंने मोनू भाभी को फोन लगाया, मोनिका को, भाभी की भाभी को, शाम को 6:30 उनका फोन लगा, उनसे बात करी, उन्होंने कहा ठीक है अबॉर्शन हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, जो भी रीजन था उस वजह से उन्हें अबॉर्ट करवाना पड़ा। और उस दिन भाभी से मेरी बात नहीं होती, अगले दिन बात होती है, वो फोन नहीं उठाते, तो उनकी सिचुएशन भी खराब थी, उनको भी शौक लगा होगा। अब मैं मन ही मन पछता रही होती हूँ कि काश मैं भाभी के साथ चली गई होती तो आज उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती, मैं अगर आज चली गई होती तो। पर मुझे नहीं पता था, कौन सोच रहा था कि आगे जाने के बाद ऐसी घटना घट जाएगी। मैं तो सोच रही थी राजी राजी जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, साथ में खाना खा लेंगे
और सब कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल था, कुछ था ही नहीं ऐसा, बिल्कुल राजी राजी गए थे वो। और जब ऐसी घटना घट जाती है और अगले दिन भैया वहीं होते, तो हम बोलते भैया को, भैया आप वहीं रुकना एक दो दिन भाभी के साथ, फिर आप आ जाना आराम से, मम्मी जी वगैरह बोलते होंगे, बोला था उन्होंने। और 2 दिन निकलते हैं, हमारी गाड़ी वहीं होती है। मम्मी जी ने बोला कि 2 दिन बाद जैसे भरत आ जाएगा ना, अपन भी चल चलेंगे कोमल से मिलने के लिए। और अब ये था कि भाभी भैया के साथ यहाँ आएंगे या वहीं रुकेंगे, तो फिर भाभी ने बोला कि मैं दीपावली करने के बाद वहां आऊंगी, मैं दीपावली वहीं करूंगी और चौथ का जो जमना है तब आऊंगी। तो हम सब लोगों को यही पता था। और 2 दिन अगले दिन शायद 11 होती है, 11 के दिन हम व्रतवास करते हैं। मम्मी जी बोलते हैं 11 के दिन नहीं जाते ऐसे घर छोड़ के, हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा ही रूल्स फॉलो होते हैं कि 11 के दिन नहीं चलते, पता नहीं और क्या सदी बदी आ जाए। तो अगले दिन उस दिन 11-12 शायद कुछ एक साथ थी, अगले दिन ही 13 हो जाती है, धनतेरस। तो पापा जी जो आते हैं, अब मेन बात है कि भाभी के जब 2 मंथ प्रेगनेंसी थी, ये बात किसी को नहीं पता थी, हमारे फैमिलीज वाले में भी किसी को नहीं पता थी, या तक कि हमारा ये परिवार जानता था, भाभी के पीएम में जानते थे कि भाई भाभी को प्रेगनेंसी है। और अबॉर्शंस की जो बात थी वो भी किसी को नहीं पता थी। अब दीपावली आने वाली थी, पापा जी ने बोला कि आजकल मिठाई काफी ज्यादा केमिकल्स की आ रही है, दीपावली पे जब घरों पे कोई मेहमान आएंगे तो हम उन्हें क्या रखेंगे, इसलिए तुम ऐसी करो फीका मावा मिला रहा हूँ घर पे, गुलाब जामुन बना दो और एक बालूशाही बना दो, ताकि कोई मेहमान आएंगे उनको तो रखेंगे मिठाई, क्योंकि हमारे घर की दिक्कत हम जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि भाई इनके घर में क्या हुआ है। और किसी को बताने की भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था प्रेगनेंसी, तो फिर अबॉर्शंस की बात भी किसी को बताने वाली थी नहीं। लेकिन जब भाभी ने ब्लॉग डाला था उसके थ्रू आप सब लोगों को पता चल ही गया कि भाई उनके अबॉर्ट हुआ है, 2 मंथ प्रेगनेंसी भी थी। तो मैं जब बालू से बनाती हूँ, गुलाब जामुन बनाती हूँ, उसकी वीडियो मैंने भाभी को भी भेजी थी। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है क्या, देखो मैंने बालू से बनाई। और मम्मी जी बोलते कि आज गुलाब जामुन बालू से बना देते हैं और कल हम कोमल से मिलने जाएंगे, तो उसके लिए भी हम ये बालू से ही और गुलाब जामुन लेते जाएंगे। उसको काफी ज्यादा शौक है, सच में भाभी को बालू से ही गुलाब जामुन काफी ज्यादा पसंद भी है। तो मैंने कहा ठीक है, कल अपन चल चलेंगे, तो उनके लिए भी लेके चल चलेंगे। एज इज नॉर्मल, मतलब कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप लोग ऐसे कमेंट्स करोगे। हम बहुत खुशी खुशी थे। शाम को 4-4:30 बजती है, भाभी का फोन आता है, भैया सॉरी भैया आते हैं और भैया बोलते हैं कि मैं कोमल को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मम्मी बोलते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेके आ जा, दीपावली हम सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बोला कि मैं रख लूंगी रुद्र को, भाभी को रेस्ट कराएंगे, आप ले आओ, एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और बहुत खुशी खुशी हम सब लोग एक साथ रहेंगे। परिवार अच्छा होता है, परिवार मतलब कि एक साथ जब कुछ त्यौहार सेलिब्रेट करता है तो हम गम को भी भूल जाते हैं। भाभी को लिया है यहाँ पे, भैया शाम को भाभी आए रेस्ट पे थे। और मैंने अगले दिन ब्लॉग डाला था प्रिपरेशंस का, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे दीपावली का ब्लॉग भी नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस पर मुझे इतने गंदे कमेंट्स आए कि मैंने ब्लॉग हैंड टू हैंड आधे घंटे में डिलीट कर दिया। मैंने कहा कि मैं डाल के क्या करूँ, जब आप लोगों को हर एक चीज़ के लिए सबूत देना पड़ता है कि नहीं भाई हम सही है, हम ऐसा नहीं है। आप लोग मतलब हर लिमिट क्रॉस कर देते हो कि कैसे ससुराल वाले हैं, सारे ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। और दीदी आपने भी अपनी औकात दिखाई दी, आपने भी मिठाई बना रहे हो, आपकी जेठानी दुख में है, खैर जिसका बच्चा होता है उसी को पता चलता है, जिसके साथ बीतती है उसको पता चलता है, बट ऐसा नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, वो सारी चीजें। लेकिन जब भाभी यहाँ आए थे और वो दीपावली के धनतेरस के दिन ही आ गए थे, हम सब लोगों ने दीपावली अगले दिन सेलिब्रेट करी, बट मेरा मन नहीं था फिर व्लॉग बनाने का। मैंने कहा क्या मतलब है मैं व्लॉग बनाऊं, आप लोग ऐसे घटिया कमेंट्स कर देते हो, इससे बढ़िया तो मैं बैठ के आप लोगों से थोड़ा बहुत क्लियर कर लूंगी ना बात कि भाई ऐसा कुछ था नहीं। आप लोग हर कुछ बोल देते हो, लिमिट क्रॉस कर देते हो हर बार बोलने की। हमने अच्छे से दीपावली भी सेलिब्रेट करी, बट इस बार हम आप लोगों मतलब हमने आप लोगों को दिखाया नहीं फोन के थ्रू कि हमने कैसे सेलिब्रेट करी। हमने खुशी खुशी दीपावली सेलिब्रेट करी, मिठाई भी खाई, सब कुछ हुआ और गेस्ट भी आए। फिर जब भाभी ने ये ब्लॉग डाला था तो उसके थ्रू फिर सबको पता चल गया कि कोमल भाभी की 2 मंथ प्रेगनेंसी थी, बाकी उससे पहले किसी को पता नहीं था। और जब मैं सही बता रही हूँ, जब भाभी प्रेगनेंट थे ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे थी। मुझे लगा कि चलो पहले इनके ट्रीटमेंट से बेबी हुआ है, इस बार नेचुरल हो गया है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और हम तो ऐसे हंस रहे थे कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, दीदी आप प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि रिंकू दीनी कोमल दी प्रेग्नेंट है, तब आप लोगों को मतलब एक तरह से शौक लगेगा कि यार हम दीदी को गेस कर रहे थे और कोमल दीदी निकल गए। हम मतलब ऐसे सोच रहे थे दोनों कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसे करके वो जो वो होते ना मुहावरे ऐसे मारते, वो वाली चीज। तो भाभी बोल रहे थे मुझे कि यार इनको क्या होगा जब इनको पता चलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने आपकी रिएक्शन नोट करे हैं
और ये सब चीजें दिखाएंगे, और जब क्लियर करेंगे तब साथ में बैठ के क्लियर करेंगे सारी चीजें। ऐसे सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी जी भी बहुत खुश थे, पापा जी भी बहुत खुश थे। फिर जब वो प्रिपरेशंस का ब्लॉग डाला और आप लोगों के ऐसे कमेंट्स थे कि मैं क्या ही बोलूँ आगे, मतलब कि मैंने ये चीज देखी हुई है कि आप लोग है ना कमियां जल्दी निकाल लेते हो। अच्छी चीज हमेशा देर से समझ में आती है, बुरी चीज हमेशा जल्दी दिख जाती है कि हाँ इस बंदे की इसने गलत करा है। और तो और आपने हम पूरी फैमिली को भी इस व्लॉग में घसीट लिया कि पूरी फैमिली एक जैसी है, आप लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं है, आप मिठाई बना रहे हो। अरे यार, मैंने हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि त्योहार चाहे कैसा भी हो सोना नहीं जाना चाहिए। और उस दिन अगर हमें से मिठाई जिस दिन मतलब त्योहार होता है उस दिन अगर हम कुछ नहीं बनाए तो उस चीज की औक पड़ जाती है घर में। मम्मी जी से बोलते हैं हमारे कि उस दिन भले कुछ नहीं तो हलवा बनाकर ही दोपहर देनी चाहिए। और वही वाली बात, हमने बनाई मिठाई है और फिर जब मैंने डाला तो आपके कमेंट्स थे। फिर भाभी ने भी बोला मुझे कि रिंकू ऐसे ऐसे कमेंट्स करे ये लोग, आप ऐसा करो कि मतलब कि या तो ब्लॉग प्राइवेट कर दो, थोड़े दिन बाद लाइव कर देना। मतलब भाभी ने तो मुझे ऐसे नहीं बोला था कि आप प्राइवेट कर लो, पर उन्होंने कहा कि बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा कि कमेंट्स करे तो मैं चाहे ब्लॉग रखना ही नहीं है, मैं ब्लॉग हटा देती हूँ। और मैंने ब्लॉग डिलीट कर दिया, फैन ट्यून डिलीट कर दिया, मैंने रखा ही नहीं वो ब्लॉग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आपको पूरी बात पता नहीं होती तो आप ऐसे क्यों बोलते हो, और बोलते हो जो तो बोलते हो, पर आप मतलब पूरे परिवार को बीच में घसीट देते हो। मुझे घसीट लिया, सासू जी को घसीट लिया, पूरी फैमिली आ गई उसके अंदर कि कितने खुश लग रहे हो, बिल्कुल गम नहीं आप लोगों को। भाई धनतेरस की बात तक तो भाभी को शायद 6 या 6 दिन हो गए थे प्रेगनेंसी के लिए। हाँ 5 6 दिन हो गए थे डीएनसी के। और हमने ऐसा नहीं सोचा था कि भाभी यहाँ से राजी राजी जाएंगे ना, आगे जाने के बाद ऐसी घटना घट जाएगी, उन्हें अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि वो सुबह जा रहे हैं, दोपहर तक आराम से खुशी खुशी आ जाएंगे और हम सब हैप्पी हैप्पी शाम को वापस वही जो रूटीन है डेली रूटीन वही, और वही चलता रहेगा। ऐसे सारे ऐसे सोच के बैठे थे मैं, मम्मी जी सब। लेकिन जब ये न्यूज हमें पता चली ना, मैं सही बता रही हूँ, पूरे परिवार वालों का दिमाग खराब हो गया। यहाँ तक कि पापा जी इन भैया ने जो गाड़ी यहाँ से धनतेरस के दिन मुहूर्त था हमारे गाड़ी का, वो गाड़ी कैंसिल कर दी। अभी तक उस गाड़ी की कोई अते नहीं पते, वो गाड़ी उसी दिन कैंसिल कर दी कि भाई अपने घर में से तप्ती आ गई है, अब अपने गाड़ी नहीं लानी है। वो छोरी पापा जी आके बोल रहे थे कि वो छोरी इतनी दुखी हो रही है। मम्मी जी दादी जी 5 बजे से हमारे ये बात घर में छिड़ी थी ना, रात की 10:30 11 बज के बस ऐसे ऐसे बोल रहे थे सब, यू कशान भी गयो, यू छोरी लारे कशान हो गयो, यू कई हो गयो, अशान कशान हो गयो, और राजी राजी की कई बोझ तो क्यों नहीं, कई नींद बच्चा कशान, मतलब की धड़कन नहीं आई रही। फिर अब भाभी भी उस टाइम मतलब की बेहोशी में थे तो उनसे भी बात नहीं हो पा रही थी। और डॉक्टर ने तो यही कहा था कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, उस वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है। बस सब यही सोच रहे थे कि कोमल ने पता नहीं हो कहीं भी गयो छोरी लारे, पहला भगवान राजी राजी दी दो, पहला इतना ट्रीटमेंट सा पहले उनके बच्चा हुआ था, अब नेचुरल हो गया तो भगवान ने वापस ले भी लिया। बहुत सारी चीजें थी। तो मैं आपको बस इस ब्लॉग के थ्रू ये कहने वाली हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि आपने मुझे बोला ब्लॉग के में कि आप मिठाई बना रहे हो, आप किसी जेट देवरानी हो, आपने अपनी औकात दिखा दी। तो भाई मैंने मेरी कोई औकात नहीं दिखाई थी, जो ये सब चीजें हमारे लिए नॉर्मल थी, लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट्स करे उसकी वजह से काफी ज्यादा वो चीजें नेगेटिविटी में चली गई। बाकी भाभी की डीएनसी उस चीज का काफी ज्यादा दुख भी है हम लोगों को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान क्या कि किसकी चले। और ये कहावत है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शुक्र मनाओ भाभी उस दिन चले गए। अगर वो 2 3 दिन बाद चले जाते हैं कि उस दिन के फिर भी था कि 1 2 दिन बाद ही चलेंगे, चेकअप सोनोग्राफी तो करवानी है और गोलियां वगैरह लेके आनी है, लेकिन किस्मत इतनी तेज थी कि बस उसी दिन भैया ने बोला कि नहीं अपन तो आज ही चल चलते हैं और ट्रीटमेंट कर मतलब दिखा के आ जाते हैं, दिखाना तो ये। अगर वो 2 3 दिन बाद चलते ना तो मैं बता रही हूँ भाभी को भी थोड़ा बहुत मतलब भाभी की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट तो थी नहीं और शायद बच्चा अंदर नहीं था, अंदर ही खत्म हो चुका था शायद, ऐसा था डॉक्टर ने बोला था। तो उस वजह से भाभी को भी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन शुक्र मनाओ कि भगवान ने थोड़ी बुद्धि सद्बुद्धि दी और उसी दिन चले गए। और फिर मैंने भाभी को बोला कि देखो टेंशन मत लो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसके पीछे भगवान आपको और कुछ बड़ी खुशी दे दे। और रुद्र भी अभी काफी छोटा है, जैसे जैसे उनको तसल्ली बन गई और अब सब ठीक है, वो भी आराम से हैं, अब रेस्ट से आज ठीक है,
आज उनके मनसब जब व्रत का शोध का उद्यापन है तो उद्यापन के लिए गए हुए हैं और अब सब ठीक है, वो भी पहले से काफी ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं। तो हम लोगों के मन में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है कि उनके दुख में मैं खुशियां मनाऊं, मेरे दुख में वो खुशियां मनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ऐसे कमेंट्स मत करा करो, और अगर करना ही है कमेंट्स तो थोड़ा अच्छी बातें के लिए कमेंट्स कर दिया करो, बुरी बातों को छोड़ करके। बाकी की जैसा कि आप लोगों को आप जैसा आप लोगों की नजर है वैसा आप देखोगे, आपका नजरिया हम नहीं बदल सकते हैं, सोच जरूर बदल सकते हैं, कुछ बातें बोलकर आपकी सोच जरूर बदल सकते हैं। बाकी मैं बता रही हूँ, जब आप प्रेग्नेंट थे ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी कि वो तो आपको उस क्लिप के थ्रू ही पता चल गई। मैं तो घर में मैंने रानू को भी बोल दिया, मम्मी जी को भी बोल दिया, दादी जी को, सबको एंड टू एंड बता दिया। भाभी कह रही यार रिंकू क्या कर रहे हो आप, सबको बोल रहे हो एंड टू एंड। मैंने कहा हाँ तो क्या कल आप बताओ किससे, बेटा तो आज मैं ही बता दूँ, कल बताना जो आज बताना। पर पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस वजह से हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और बस ये बातें थी जो क्लियर करनी थी, और बाकी आप लोगों की सोच, आप लोगों का नजरिया हो सके तो बदलना, और ऐसे कमेंट्स आज के बाद मत करना यार, मैंने मेरी औकात कोई नहीं दिखाई थी। और बाकी की बात, हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं और दीपावली भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट करी, आपकी दीपावली भी अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। इस बार वैसे दो दीपावली थी, तो किसी ने एक दिन पहले करी, किसी ने एक दिन बाद में करी, हमने दोनों दिन करी थी थोड़ी थोड़ी सी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस बार शायद कुछ अच्छा सा लेके आएंगे ब्लॉग, और अभी के लिए इतना ही, बाय।